कोविड कटकणारे झाउळी पडिछि द्वितीय श्रीक्षेत्र बारीपदार रथ बौज तीन ठाकुर रथ बदलने नाट मंदिर को पहंडी विजय करराडंबर भाव नाट मंदिर नीतिकांति ग्रहण करुंट श्री श्री बलदेवजी मंदिर बेढ़ा और 200 मीटर परिसर में 144 धारा लागू करा पुरी रथ यात्रा को एठू घंटा बजाई स्वागत करने सहित कटकणा मध्य बारीपदा जगन्नाथ नीतिकांति पुरी रथजात्रार गोटे दिन पर बारीपदा श्रीजगन्नाथ घोषयात्रा अनुष्ठित हुए तीन ठाकुर रथरे बसी देवलरु जन्मवेदी को आसी था रथटणा दुई दिन धरी चली था। यात्रार अन्य एक विशेषत्व हेउछि देवी सुभद्रा रथ को केवल महिला माने टाणी था तेबे चलित वर्ष कोरोना कटकणा जो यह फिका पड़ी कटकणारे मंदिर भितर समस्त नीतिकांति पालन हेबो प्रशासन पक्षर मंदिर बाहर 144 धारा जारी करा जायछि। ए संपर्क में अधिक अपडेट पर आम सहित जोड़ी होती बारीपदा हरिबलदेवजी मंदिर निकट आम प्रतिनिधि रंजन दास। रंजन, द्वितीय श्रीक्षेत्र कहा जाए बारीपदा को एवं पुरी श्रीक्षेत्र में जो रथजात्रा हुए ता पर दिन एठार रथजात्रा अनुष्ठित हुए किंतु कोरोना कटकणा जो जेहेतु सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्रमे बंद रही रथजात्रा तो कौन नीतिकांति अनुष्ठित होउछि मंदिर परिसर में निश्चित पक्ष देखु शक्ति जो बारीपदा द्वितीय श्रीक्षेत्र अच्छी बारीपदा द्वितीय श्रीक्षेत्र में जो भक्तों कथा कहुचार भक्तों गोटे भावावेग प्रति गोटे आघात होपर आम देखो मुझ सीधा सड़क बर्तमान मंदिर जो सम्मुख चित्र देखा चाहूँ मंदिर में किभली भाव में लोक मैंने लोक जो श्रद्धा मैंने आस ठाकुर को दर्शन नपाइक गोटे प्रकार जो रथजात्रा थाए रथजात्रार जो नीतिकांति थाए समस्त किसी व्यवस्था बंद रही जहाँ को लेकिन जो श्रद्धा मान गोटे असंतोष जग्रत हो जो मंदिर जो मुख्य द्वार अच्छी जो सिंहद्वार अच्छी सिंहद्वार भितर लोक मैंने सिंहद्वार सम्मुखें लोक मैंने ठिया होती लोक मैंने यही हिं दर्शन कर मंदिर में विभिन्न समय रे जो देखा जाता है जमीक रथ में आज यही था रथ गत काली जो कहार गत काली जमीक पुरीर जो दिन रथजात्रा होता है से ही दिन ठार ही आमर यठार जो रथ उपरको तहंडी कर ठाकुर आज समस्ते जो श्रद्धालु मैंने अच्छा श्रद्धा मैंने दर्शन कर रथ उपर तेब आज रथ में दर्शन हो पारना मुझे सीधा सड़क चित्र बर्तमान देखा चाहिए देखो मंदिर मध्य जो नाट मंडप अच्छी नाट मंडप जो चतुर्धा मूर्ति अच्छा श्री विग्रह मैंने वर्तमान दर्शन से दौरान जो श्रद्धा मैंने जो द्वार मुह अच्छी जो सिंहद्वार रही सिंहद्वार ठाकुर को दर्शन करें सीधा सड़क बर्तमान जो अच्छा पूजा पंडा अच्छा आम तुम्हारे प्रतिक्रिया रखा किभली भाव में जो नीतिकांति रही जो ठाकुर जो ठाकुर पूजा कांति हो पूजा विधान हो समस्त किसी व्यवस्था किभली भाव में होमें आम तुम्हारे प्रतिक्रिया रखा किभली भाव में चली पूजा कौन कह आज्ञा जो आम नीतिकांति अच्छी पूजा विधान किभली भाव में चलती आमर श्री श्री हरिबलदेव महाप्रभु प्रथम सूर्य पूजा द्वारपाल पूजा अवकाश नीति यह सब संपन्न हुए प्रथम आमर अच्छी सुदर्शन महाबाहू को द्वार मुहरे डाकी सुदर्शन महाबाहु विष्णु द्वार सुरक्षक कवाट फेटनश्चैव विष्णु पूजा करम्यम आमर सुदर्शन महाप्रभु आमर विष्णु को द्वार बा श्रीमंदिर को से द्वार को से जगी था तेणु तक आम आगे अनुरोध करी कवाट फेट फिड़ेवाई कहूँ एवं तापर आम मंदिर में प्रवेश करूँ सेठारे आमर मंगल आरती आगे आम करूँ मंगल आरती मध्यम महाप्रभु को निदरु उठाऊ निदर उठेबा परे आमर जो शज्ञा से सुई थांती से शज्ञा शज्ञा उठा जाए तापर आमर माजणा नीति महाप्रभु दांत घसंती गाधांती एवं लुगा पलटती यह सब माजणा नीति सरिया परे आमर शज्ञा पूजा द्वारपाल पूजा एवं अवकाश नीति आमर हुए अवकाश नीति संपन्न परे आमर साहण मेला नीति दर्शन करा भक्त मान दर्शन करार व्यवस्था करा जाए किंतु जो आमर रथजात्रा तुम से ही नीति सब हुए किंतु कि टिके भिन्न कारण से रथ उपर जो महाप्रभु था आमर यही सब नीति हुए किंतु सब से रथ उपर नीति आमर कराए यही कोविड आमर महाप्रभु ए बर्ष रथजात्रा जा नपारि महाप्रभु आमर से जो भद्रासन व नाटमंडप जो आमर दर्शन दौंस महाप्रभु आमर से भद्रासन बसी रही आमर से सबकि नीति हो।
ଆମର ବାରିପଦାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, କେଉଁ ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ଆର ବିଶେଷତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ନେଇକି? ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି, ତାହା 1575 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆମର ଏଇ ହରିବଳ ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭୁଲି ଯୋଜନାଟା ନା ନା ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି ରଜାଙ୍କ ନାଁଟା। ତାପରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ରଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତିଆରି କରିବା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଉଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଞ୍ଜ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ନା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଞ୍ଜର ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଥରେ ମନ ବଳେଇଲେ ଯେ ଆମର ପୁରୀ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମଟର ସବୁ କିଛି ନଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ଯେ ଆମେ ବି ରଜା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯାହା ହଉ, ରଜା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ବାରିପଦା ହରିବଳଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଥର କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରାଟମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ବାହାରୁ ଆସି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି କେବଳ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ବାରିପଦା ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ।